कॉल लगाएं पंडित ऋषिराज शास्त्री जी को, उनका नंबर है +91987606240। उनका दूसरा नंबर है +91987606540। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं पंडित ऋषिराज शास्त्री जी को और पा सकते हैं सभी समस्याओं का समाधान। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा वशीकरण का तरीका जो आप क्या कोई भी अगर इस्तेमाल करे तो उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाएगी। जी हाँ, आप इसे किसी को भी अपने वश में करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बॉस आपकी बात सुन ले? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी बात सुने, या फिर आपके पति आपकी बातों में आ जाएं और आपका कहा हुआ हर काम करें? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं पीपल के पत्ते से कैसे करें वशीकरण। बेहद आसान तरीका है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीपल के पत्ते लाने हैं। आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और ऐसे पीपल के पत्ते जिन पर धूल मिट्टी ना लगी हो। लेकिन ये भी याद रखना है कि पीपल के पत्ते आपको पेड़ से तोड़ने नहीं हैं। आपको ताज़े पत्ते लेने हैं जो कि तुरंत गिरे हों। आपको ऐसे पत्ते लेकर उनको साफ कर लेना है और उसके बाद उनके ऊपर गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल आपको कुछ बूंदे छिड़कने से ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों याद रखें कि पीपल के पत्तों के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इससे आप अपने दुश्मन को भी अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपका बुरा चाहता है और उसकी एनर्जी आप तक भी पहुँचती है और वो आपका बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, तो उस इंसान को वश में करने के लिए या फिर अपना दोस्त बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 5 पीपल के पत्ते और चाहिए कुछ लौंग। जी हाँ, लौंग का इस्तेमाल करके आप इन पीपल के पत्तों से किसी को भी वश में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चंदन पाउडर का लेप बनाना है। उसके बाद चंदन पाउडर के लेप से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है पीपल के पत्तों पर जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। 5 पत्तों पर आप उस व्यक्ति का नाम एक तरफ लिखिए और दूसरी तरफ लिखिए अपना नाम। अब आपको ये मंत्र बोलना है जिससे आप उसे अपने वश में कर पाएंगे। इस मंत्र का जाप आपको करना है पूरे 321 बार। इस मंत्र के जाप से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखें कि ये मंत्र आपको करना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन रात के समय ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अब आपको उस इंसान का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करना है पूरे 321 बार। और ये मंत्र है सर्व बाधा प्रशमनम तैलोक्य खिलेश्वरी एव मे त्वया कार्मस्य देवी विनाशनम। इस मंत्र के जाप से आप अपने दुश्मन को अपने वश में कर पाएंगे। इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद इन पत्तों को आपको उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा देना है जिस पेड़ से आपने इन पत्तों को लिया था। और याद रखें, पत्तों को दबाने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। इस तरह से आपका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में आपके वश में होगा और आपकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इसे करने में असमर्थ हैं, तो हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। गुरुजी आपके लिए ये कार्य सिद्ध करके देंगे। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिष सम्राट पंडित ऋषिराज शास्त्री, ज्योतिष की दुनिया में जिनका नाम, इनका हर उपहार आज तक खाली नहीं गया। 11 बार गोल्ड मेडलिस्ट, उनसे संपर्क करने के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त चमत्कार का दूसरा नाम, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में, गारंटीड घर बैठे करवाएं, मनचाहा वशीकरण, लव मैरिज, प्रेम विवाह हो चाहे घर में कलेश रुकवाना हो, काम कारोबार में घाटा हो रहा हो या फिर विदेश यात्रा पर जाना हो, पति पत्नी में झगड़ा हो या फिर काला जादू, गड़ा हुआ धन, कर्ज से छुटकारा पाना हो, माता पिता प्रेमी प्रेमिका को मनाए, अगर किसी बहन या पति या बेटा कहने से बाहर है तो अभी संपर्क करें। हमारी एक सलाह आपकी जिंदगी बदल देगी। जो व्यक्ति मुल्ला मौलवी तांत्रिक से धोखा खा चुके हैं, निराश हो चुके हैं, एक बार जरूर संपर्क करें। हर समस्या गुप्त रखी जाएगी। कॉल लगाएं पंडित ऋषिराज शास्त्री जी को, उनका नंबर है +91987606240। उनका दूसरा नंबर है +91987606540। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं पंडित ऋषिराज शास्त्री जी को और पा सकते हैं सभी समस्याओं का समाधान।